देखो तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हाइड्रोस्टेटिक एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये पढ़ रहे थे हम लोग। तो हम लोग क्या बताने जा रहे थे, उसमें बताए थे कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो जो प्रेशर लगाता है वो लगाता है क्या, डेंसिटी उसका, चाहे रो लिखो चाहे डी लिखो, गुनी उसका, अच्छा ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, हाइट गुनी डेंसिटी गुनी उसका ग्रेविटी। वैसे हम लोग इसको याद रखते हैं रो जी एच, रो जी एच, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, हाइट जितना ऊंचाई पे पानी है। ठीक है, तो हम आगे तुम क्या बताने जा रहे हैं, जैसे जब मान लो कोई भी, सपोज करो बाल्टी, क्या तुम्हारा बाल्टी, और बाल्टी में सपोज करो क्या पानी है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बाल्टी है और इसमें सपोज करो तुम्हारा पानी है। ठीक है, तो जो लिक्विड है यहाँ पे, तो तुम देखेंगे कि लिक्विड का जो एक यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा, सबसे पहले तो ग्रेविटी इसको खींचना चाह रहा होगा, तो यहाँ वाला जो होगा मॉलिक्यूल पानी का वो इधर से इसको दबा रहा होगा, नहीं दबा रहा होगा, बोल आउटवर्ड की ओर। दूसरा बात ये है, देखो जो तुम्हारा यहाँ का बिंदु है, मतलब मॉलिक्यूल है वाटर का, वो भी दबाव महसूस कर रहा होगा उतना जितना इसके ऊपर पानी होगा ऊंचाई तक, होगा कि नहीं बोलो। जैसे यहाँ का जो लिक्विड है पॉइंट, मतलब मॉलिक्यूल है, वो तो इतना ही ऊंचाई को फिल कर रहा होगा और नीचे वाला तो यहाँ तक फिल कर रहा होगा, तो जो दाब है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके हाइट के, कि जितना हाइट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फिल करते जाएगा दबाव। ठीक है, तेरा दूसरा पॉइंट है प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती। अब देखो जैसे सपोज करो कि ये एक मॉलिक्यूल है, एक यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा, एक यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, तो ये सब तो सब बराबर फिल कर रहा होगा क्योंकि सबका हाइट क्या है बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अब है कि जैसे मान लो ये लिक्विड है और इसके बीच में कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो सब डायरेक्शन में तो ये बराबर दबाव लगा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है तुम्हारा जैसे पानी का हो गया, और सपोज करो कि एक बाल्टी में सपोज करो कि केरोसिन तेल रखा हुआ है, तो केरोसिन तेल का डेंसिटी अगर कम होगा तो उसका मॉलिक्यूल कम दबाव फिल कर रहा होगा, पानी का अगर कम होगा तो पानी वाला कम फिल कर रहा होगा, तो उसका समानुपाती हो गया। देखो अब तुम लोग को हम बताने जा रहे हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, एक तरह का बल होता है, क्या होता है बल। देखो जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं तुम्हारा हिंदी में, अपथ्रस्ट जो भी है तुम्हारा, देखो क्या होता है। जैसे होता क्या है कि जब हम लोग बाल्टी को कुआं में डुबाते हैं, तो एक चीज फील किया होगा कि जब हम लोग कुएं में डुबाते हैं बाल्टी को, तो बाल्टी अंदर जब जाता है तो हल्का लगता है, लगता है हल्का। या फिर मान लो कि ईंट ले लो और ईंट को तालाब में डुबा दो, और तालाब के अंदर जब तुम ईंट को उठाएगी तो हल्का फील होगा, और जैसे पानी से बाहर निकलेगा तो पूरा बाहर निकलता है। जैसे भरा हुआ बाल्टी पानी से जब लोग खींचते हैं तो जब तक कुआं में पानी के अंदर है तब तक हल्का लगता है, और जब वही बाहर आता तो बहुत भारी लगने लगता है, और वही जब होता तो भारी लगने लगता है। देखो क्या होता है, उसके जो तुम्हारा बताते हैं होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो पानी को रिप्लेस करता, हटाता है कुछ पानी को वहां से, वो हटाता है। तुम इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकती है चाहो तो, मान लो कि ये तुम्हारा कोई बर्तन टाइप का चीज है और इसमें पानी भरा हुआ है, हम लोग इसमें कोई वस्तु डुबाते हैं, वस्तु क्या करते हैं डुबाते हैं, तो
इस जगह वाला पानी खाली हो गया, जब डुबाए तो पानी ऐसे भागा थोड़ा, तो पानी तो थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा नहीं, पर पानी तो दबाना चाहेगा और इसको ऊपर उठाना चाहेगा। बस समझ रहे क्या बोलना चाह रहे? नहीं, जब ये पानी के अंदर रहता है कॉन्स्टेंटली तो भी पानी इसको धकेल रहा होता है ऊपर की ओर, इसलिए हम लोगों को क्या होता है हल्का लगता है, हल्का लगता है। देखो तो ये जो पानी उसको ऊपर धकेलता है इसको हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट, या फिर उत्प्लावन बल हिंदी में जो भी है तुम्हारा। तो सवाल ये उठता है कि जो उत्प्लावन बल होता है वो कितना लगता है, वो कितना लगता है? देखो एक चीज पहले ध्यान देना कि जब ये जो अपथ्रस्ट होता है वो किसी वस्तु पे जो लिक्विड में, जो द्रव में, जो पानी में डूबा है तो उस पर उतना ही बल लगता है जितना लिक्विड को वो हटाता है, जितना लिक्विड को वो जितना बल से वो लिक्विड को हटाता है, जितना बल से जितना लिक्विड को वो हटाएगा, जितना मतलब कितना उसका मास होगा। देखो समझाते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे डाले तो ये इतना डूब गया तो इतना दूर का पानी हट गया, हट गया कि नहीं बोलो? तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा उत्प्लावन बल होगा, जो तुम्हारा उत्प्लावन बल होगा, मान लो उसको हम दिखाते हैं एफ से, उत्प्लावन लोग कैसे दिखा रहे हैं एफ से, तो एफ यहाँ पे जो हटाया होगा वही इधर बढ़ा होगा, उसको ग्रेविटी खींच रहा होगा, तो एफ बराबर एम जी मतलब उतना बल लगा रहा होगा जितना उसका हटा होगा पानी। अब m जो होता है तुम्हारा, याद करो हम लोग थोड़ा यहाँ चलते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी गुनी वॉल्यूम, डेंसिटी गुनी वॉल्यूम इंटू जी। तो याद रखना इतना ही बल वो फील करेगा इधर से नीचे से। तो होगा क्या कि जब हम लोग इसको पानी में डुबाते हैं किसी भी चीज को तो पानी उसको नीचे से बल लगा रहा है और वो बल तुम्हारा अपथ्रस्ट कहलाता है। रिकॉर्डिंग देख लो, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? अपथ्रस्ट। अब क्या है, जब उसको नीचे से बल लग रहा है ऑब्जेक्ट को तो हम लोग हल्का थोड़ा फील करेंगे, नहीं फील करेंगे क्योंकि नीचे उसको धकेल रहा है उसको, तो ये होता है तुम्हारा अपथ्रस्ट। ये क्या होता है तुम्हारा अपथ्रस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु, अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल लो, हम लोग क्या कि एक टब ले लिए उसमें पानी है भरा हुआ, एक ये वस्तु ठीक है, जैसे कुछ देना छपिलता है, है तैरता है ऊपर में, और कोई मान लो पूरा डूब गया है, तो इस पे जो पानी दोनों से ज्यादा कौन हटाया अभी जो पूरा डूबा हुआ, क्योंकि इतना खाली है ना तो इतना पार्ट जो है वो तो नहीं हटाया पानी, पानी तो इतना ही हटा नहीं, तो इतना ही दूर का मास लगेगा उसको धकेलेगा नीचे से यहाँ पे मास, और ये जो है वो पूरा डूबा हुआ है तो ये पूरा वाला धकेलेगा इसको, तो ये होता है तुम्हारा उत्प्लावन बल। ठीक है, अब हम तुमको एक चीज बताने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? देखो कर बोल दो, करो यहीं पे, यहाँ पे ही है। देखो देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें तुम्हारा क्या होता है कि जब वस्तु को हम लोग डालें तो ये थोड़ा हल्का फील होगा, नहीं फील होगा हल्का? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि ये कितना हल्का फील होगा, कितना हल्का हुआ वहां जाके। देखो मतलब जो तुम्हारा उसका जब हम लोग बाल्टी को कुआं में डालें तो हम लोग को खींचने के लिए कुछ बल लगाना पड़ रहा था,
अब जब पानी इसको खुद ठेल दे रहा है तो हम लोग को बल थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। बल में जो कमी हो